हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जायकेदार खाना। आज मैं आपके साथ टमाटो केचप की रेसिपी शेयर करूंगी, बिना कोई मिलावट के हाइजीनिक एकदम मार्केट जैसा टमाटो केचप बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस बेहतरीन टमाटो केचप को बनाना। टमाटो केचप बनाने के लिए मैंने 3 किलो लाल लाल टमाटर लिए हैं। ये देसी टमाटर नहीं है, देखिए इस तरह से ये मैंने लाल लाल टमाटर लिए हैं और इनका ऊपर का जो पार्ट है वो मैं काट दूँगी। इसी तरह मैं सारे टमाटरों को काट लूँगी और कुकर में डालते जाऊँगी। सारे टमाटर मैंने काट लिए हैं। अब इस टमाटर में आधा गिलास पानी डालकर इसको उबलने के लिए रख देती हूँ। ढक्कन बंद करके इसमें 4 सीटी लगा लूँगी हाई फ्लेम पर। सारे टमाटर मैंने उबाल लिए हैं। अब इन टमाटरों को कुकर में से निकाल निकाल कर मैं दूसरे बर्तन में रख दूँगी और इनको पूरी तरह ठंडा होने दूँगी। जो बचा हुआ पानी है इसे सब्जी बना सकते हैं या फिर काला नमक डालकर इसका जूस बनाकर पी लें। जब टमाटर पूरी तरह से ठंडे हो जाएंगे तो इनको थोड़ा थोड़ा मैं मिक्सर के जार में डालकर इनका एक स्मूथ पेस्ट बना लेती हूँ। एक कढ़ाई ली है, इसके ऊपर मैंने छलनी रखी है। जो पेस्ट मैंने पीसा है वो छलनी के ऊपर डाल दूंगी और एक चम्मच से रगड़ लूंगी, जिससे पतला वाला पेस्ट नीचे निकल जाएगा और छूंदा ऊपर बच जाएगा। इसी तरह मैं सारे टमाटर को पीस लूंगी। देखिए टमाटर मैंने पीस लिए हैं। अब इस टमाटर प्यूरी को मैं बॉयल होने के लिए गैस पर रख देती हूँ। 6 बड़े चम्मच में इसमें सिरका डालूंगी, इसको विनेगर भी बोलते हैं। 1 और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक डालूंगी, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। 3 किलो टमाटर हैं, इसमें मैं 300 ग्राम शक्कर डालूंगी। अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो थोड़ी शक्कर और डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। जैसे ही प्यूरी में उबाल आ जाएगा तो इसको मैं मीडियम लो फ्लेम पर 25 से 30 मिनट पकाऊंगी। देखिए 30 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे, बिल्कुल भी साइड में पानी नहीं है, मतलब टमाटो केचप तैयार हो चुका है। इसको एक मैं बाउल में निकाल कर दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल बाजार जैसा टमाटो केचप बना है, बिना कोई कलर के बहुत ही बेहतरीन टमाटो केचप बना है। इस टमाटो केचप को हम समोसे, कचौड़ी, पकौड़े या पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। इस टमाटो केचप को एक साफ़ और सूखे जार में भरकर फ्रिज में रख दें, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होता है। 1-2 महीने इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस समय मार्केट में टमाटर भी सस्ते मिल रहे हैं, तो आप भी ये टमाटो केचप बनाइए और इन्जॉय कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक बार फिर जायकेदार खाने में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।